ढूंढ अगत की राई बरा रखिए आदर मान सोच काय के मां के हरी भी वंश बेल चल जाएगी मेरी छोटी बहन सुरुचि का डोला दे दे। बहुत कहने पर अपनी मां और अपने पिताजी को मना लेती है रानी सुनुति और असली और कंठी पना के अपना के और शादी का दिन निश्चित करके वापिस अवधपुरी में राजा उत्तानपाद के पास में पहुंच जाती है। और जब राजा उत्तानपाद को इस बात का पता चला कि रानी सुनुति सुनेतगढ़ से वापिस आ गई, जब मिलने के लिए गया फिर उदास तेरा देखा कि रानी इतना तरह गांव भी जाई तू हमारे बीच में पिंकू ठेकेदार जी पहुंचे एक बार जोरदार तालियों से स्वागत भाई का धन्यवाद है अभिनंदन करते हैं यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद। राजा उत्तान पात निबले के ये भी उदास चेहरा क्यों ये महाराज एक काम कर लो आप क्या कि मेरी बुढ़ापे की तरफ उम्र है आपकी भी बुढ़ापे की तरफ उम्र है एक काम करो आप मेरे कहे से कि रानी क्या कि आप दूसरी शादी कर लो कि मेरा परमात्मा सूत बैठा दे कि एक लड़का पैदा हो जाए इस राजकाज को संभाल लेगा हमारी वंशबेल भी चल जाएगी कि रानी बुढ़ापे में। हे महाराज देखिए आप मेरी बात को सुनो ध्यान से कौन कौन बुझेगा बुढ़ापे में हमने। रानी सुनती समझाती राजा उत्तानपाद को क्या कहती है क्या मेरे कहे थे ब्याह करवा ले नात पाछ धूले बेटोड़ेगा और मैं मर गी ते सजन मेरे किसके तड़वे तोड़ेगा मेरे कहे ते ब्याह करवा ले पाछ धूल बेटोड़ेगा इसके तलवे रोड़ेगा मेरी कहे तया करवा ले पथ धूल में रोड़ेगा मर्गी सजन मेरे किसके तलवे रोड़ेगा किसके तलवे रोड़ेगा ये भाई विनोद बलियाना से 50 रुपए और देते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। पहले नंबर पे कि मेरे कहे तो ब्याह करवा ले पद से धूल बेटोड़ेगा मैं मरगी तो सदन मेरे तू किसके तड़वे रोड़ेगा कौन तेरी सेवा करेगा कौन तुम्हें टेम पर भोजन देगा महाराज। पहले नंबर पे क्या कहती है क्या नहीं ताते चलम सुबह उठ के ताते चलम साजन कौन नुआवेगा आठ बजे सी बना रसोई भोजन कौन खुआवेगा सेवा करके और सेवा करके ड्यूटी भर के सेज पर कौन सुआवेगा रोड़ेगा
मेरे लिए आदरणीय रणबीर जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, पार्टी का बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। दूसरे नंबर पर यह शरीर के बारे में बताया, क्या यह शरीर ऐसा है जो जो उम्र ढकती जा न्यू बनचा फिर महाराज जीवन के बारे में दर्शा दिया, इस शरीर के ऊपर दर्शा दिया, दो नंबर पे क्या समझाती है क्या ली? विजय बलियाना जी 100 रुपये और देते, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारे अंकल जी 50 रुपये और देते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है क्या कहा? धार काट के बखत उठ के धार काट के जो ताता दूध दयादा से रोटी कैसी आवे मराई वो ज्यादा गर्म करियादा से सांझ हुई तब और दिलिया गया मटकी भी भयादा से किसके तलवे रोड़ेगा किसके तलवे रोड़ेगा बताऊं। जब मैं चली जाऊंगी इस दुनिया को छोड़ के, जब मेरी बात याद करेगा उस दिन तेरा न्यूज जताएगी कि रानी ठीक कर दी। तीसरे नंबर पे क्या? आदरणीय जगत सिंह रिठाण जी 100 रुपए जी मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। तीसरे नंबर पे क्या लिखा है क्या कहा? बुढ़ापा जोर पकड़ जागा आख्या ते कम दिखन लगे कमजोरी जोर पकड़ जागा मेरे मन में पड़ रहा था मेरे मन का जोर पकड़ जागा ये बड़े अच्छे संस्कृति प्रेमी हैं भाई विनोद बलियाना से 50 रुपये और देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आखिरी नंबर पर रानी न्यूबली की महाराज जरूरत हर एक इंसान को पड़ती है, और जब मैं इस दुनिया से चली गई कौन तेरी
सेवा करेगा, कौन तने टेम के ऊपर भोजन करवाओगा। जब मैं याद आऊंगी फिर कोई ना बुझे तने। आखिरी नंबर पे क्या कहती है, क्या लिखा? अवधपुरी का ओ बेटे बिन इस अवधपुरी का ऊंट मटिला ओ जाएगा कौन सा बहु दवावेगा। जब नक्शा दिला ओ जाएगा तेरा गुमरा जब फूटे जब पार के लीला ओ जाएगा। साइकी कोड़े कहा मेरे कहे तनी ना करवा दे पाछे मुंह में तोड़ेगा। मैं मर गई पे तन मेरे किसके तन में ओलेगा। किसे फरिश्ते किसे पैसा ना तो कैसे ये दिल के रिश्ते वो न किसे फरिश्ते। और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।